तो गाई दोहा और कतर दोनों, जो कि दोहा कतर एक ही, कतर ने अपने 14 देशों का वीजा बैन कर दिया जी। हाँ 14 देश, उसमें बहुत सारे अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत बाकी कंट्री भी इसमें शामिल है। तो पूरा मैं बताऊंगा किसके वजह से ये वीजा बैन हुआ, कितने दिन तक ये वीजा यहाँ पर वहाँ पे टेबल नहीं कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर वहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तानी रहते हैं, इनके लिए ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करिए कोरोना वायरस, जिस तरह कोरोना वायरस एक के बाद एक पूरे देश, पूरे दुनिया में फैलता जा रहा, उस तरह कतर में भी ये पहुंच चुका। कतर सरकार ने काफी बेहतरीन फैसले लेते हुए 14 देशों का वीजा पूरी तरह से फुल बैन कर दिया। जी हाँ, ना ही वहाँ के नागरिक कतर में आ सकते, नहीं कतर के जो नागरिक है वहाँ जा सकते हैं। इस तरह काफी बेहतरीन, और 14 देशों में कुछ बड़े बड़े देश हैं जो कि काफी ज्यादा वहाँ पे रहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट देश है, कतर के लिए भी है, दुनिया के लिए भी, क्योंकि काफी बड़े बड़े देशों का भी वीजा वहाँ पे बैन कर दिया गया है। सबसे पहले बात करें तो इंडिया, सबसे पहले इंडिया, जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा लोग कतर में, बात करें तो कतर में लेबर जो कि दुनिया की सबसे रईस कंट्री है, तो वहाँ जो कि फीफा वर्ल्ड कप बहुत सारे वहाँ पे काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट है, तो इसकी वजह से वहाँ लेबर ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले इंडिया, इंडिया के आदमी वहाँ पे ज्यादा रहते हैं, तो इंडिया के लिए भी, इंडिया का भी वीजा पूरी तरह से बैन कर दिया, और टूरिस्ट वीजा भी बंद हो चुका है, जो कि काफी खतरनाक है, क्योंकि इंडिया के आदमी वहाँ पे ज्यादा रहते हैं। अब देखना है कि बहुत सारी फ्लाइट तो भी इंडिया के लिए बंद हो चुकी है, क्या आने वाले 10 से 15 दिन में हो सकता है फ्लाइट फिर से चालू किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस पे थोड़ा सा कंट्रोल होगा, उसके बाद ये वीजा और छुट्टियां लोगों को शुरू होती बनती रही, जो बहुत सारे घर के घर अपने जाने वाले थे वो अब नहीं जा पाएंगे, तो 10-15-20 दिन तकरीबन ऐसा ही रहेगा। वही बात करें तो बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी वीजा इसी तरह पूरी तरह बैन कर दिया, ना ही बांग्लादेश के नागरिक छुट्टी पे अभी तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि फ्लाइट बंद हो चुकी है। बहुत सारा वजह और कुछ ऐसा हो सकता है कि, हो सकता है कि बांग्लादेश के जो नागरिक हैं या इंडिया के नागरिक छुट्टी काटने के लिए जाएंगे, लेकिन इंडिया या बांग्लादेश के नागरिक ओमान में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऐसा पूरी तरह से बैन कर दिया गया, जो कि काफी वेर, क्योंकि कोरोना वायरस एक के बाद एक फैलता ही जा रहा है, इसकी वजह से। वही पाकिस्तान का भी सेम है ऐसा, इसी तरह हुए। बाकी बहुत सारे देश है, जैसे मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, और बहुत सारे देश, हांगकांग, चाइना, इस सब का तो वीजा पहले से ही बैन कर दिया गया। वहीं आपको बताते हैं कतर, जो कि एक बेहतरीन और काफी अमीर कंट्री है, उसके पड़ोसी मित्र भी अपने यहाँ इधर देश के नागरिक को इधर उधर नहीं जाने। वहीं आपको बताते हैं अगर जो कोरोना वायरस से आप बचत जितना दूरी रखें उतना बेहतरीन, अगर गर्म पानी का यूज करें और हाथ बढ़िया से सफाई करते रहें और ज्यादा बाहर ना निकले घूमने टहलने के लिए, जो कि काफी बेहतरीन रहेगा। तो कतर ने जो कि इंडिया, बांग्लादेश, इन तीन, ये तो सबसे तीन इंपॉर्टेंट कंट्री थे जिसका वीजा बैन कर दिया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।